प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत, सिलवासा और मुंबई में करेंगे कई परियोजनाओं की शुरुआत। मुंबई में नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा की नई बिल्डिंग का भी करेंगे उद्घाटन। सूरत के निकट हजीरा में पीएम ने सेना को सौंपा बहुउद्देश्य K9 बज़र टैंक। कोलकाता में विपक्षी दलों की महारैली आज, हार्दिक पटेल के भाषण से हुआ रैली का आगाज। मंच पर जुटे 20 दलों के दिग्गज, राहुल माया मौजूद नहीं। मेगा रैली से पहले विपक्षी नेताओं के साथ ममता बनर्जी ने की बैठक। 26 जनवरी से पहले ISI की साजिश का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस ने की RSS नेताओं की हत्या की साजिश नाकाम। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से 3 शार्प शूटर गिरफ्तार। कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे राम कृपाल यादव को लेकर राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने दिया बड़ा बयान। कहा, जब राम कृपाल यादव BJP में शामिल हो रहे थे तब उनका मन उनके हाथ काटने को हुआ। IRCTC घोटाले मामले में बिहार के पूर्व CM लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में 11 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। कर्नाटक का संकट जारी, अब कांग्रेस ने अपने विधायकों को भेजा रिजॉर्ट। वहीं कर्नाटक के BJP अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने गुरुग्राम से अपने विधायकों को बुलाया वापस। दिल्ली मुंबई रूट पर आज से दौड़ेगी तीसरी राजधानी एक्सप्रेस, रेल मंत्री पीयूष गोयल ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। हफ्ते में 2 दिन चलेगी राजधानी एक्सप्रेस। विवाद के बाद भी स्वयंसेवी संगठन भारतीय बाल कल्याण परिषद अपने स्तर पर 21 बहादुर बच्चों को देगी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2018। परिषद पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप, बाल विकास मंत्रालय ने खुद को परिषद से किया अलग। इसरो ने ट्वीट की कुंभ की कुछ तस्वीरें, तस्वीरों में दिख रहा है त्रिवेणी संगम और यमुना का भव्य नजारा। कुंभ में संगम पर पवित्र डुबकी लेने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं श्रद्धालु। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका की स्पेशल स्क्रीनिंग, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देखी फिल्म। 25 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म। राष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट से शेयर की गई है इस स्क्रीनिंग की कुछ तस्वीरें। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही एक शिखर सम्मेलन में कर सकते हैं दोबारा मुलाकात। किम के राइट हैंड पहुंचे US। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।